आज मैं ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हो हाइड्रिला, तो इसके जैसा मैं बहुत सारा प्लांट लगाने की सोच रहा हूँ। तो ये तो कप में है लेकिन मेरे पास कप नहीं है, तो मैं कैसे सिर्फ 10 रुपये के अंदर ये सेटअप बना लूँगा। वो मतलब 10 सेटअप होगा, 10 रुपये के अंदर 10, मतलब एक एक सेटअप 1 रुपये करके। तो कैसे मैं बनाऊँगा ये आप लोग को आज दिखाऊँगा। तो आप लोग बिना किसी देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को चाहिए यह है ग्लास, जो पानी का ग्लास होता है वो वाला ग्लास। तो ये आप लोगों को कलेक्ट कर लेना है, ये सब 1 रुपये करके पड़ा मेरे को, तो 10 रुपये में 10 हो गया है। तो इसके बाद आप लोगों को चाहिए जो ये है, मैं थोड़ा सा ही लिया हूँ क्योंकि इससे ही बहुत सारा हो जाएगा। यह हाइड्रिला प्लांट, तो आप इसका सिर्फ आपका जो मतलब स्टेम है वो कट लेंगे तो उससे रूट निकल जाएगा। तो आप लोग ऐसे कट लेना है, सिर्फ उंगली से कट लेना है। तो मैं भी मेरे सेटअप से इसको कट लिया हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को चाहिए जो है ये वाला, ये सैंड। ये जो सैंड है, अगर मतलब जो घर बनाने के लिए यूज़ होता है उससे भी काम हो जाएगा, और अगर आप लोग रिवर से कलेक्ट कर सकते हो तो उससे भी काम हो जाएगा। तो ये तीनों का आप लोगों को कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैं तो इसको वॉश कर लिया हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये जो सैंड है इसको, ये जो फिश नेट है ये तो टूट गया मतलब फाड़ गया, फिर भी इसको इसके अंदर मतलब छान लूँगा, क्योंकि जो इसमें स्टोन ठोन है तो सब निकल जाएगा। तो फ्रेश वाला जो सैंड है उसको मैं इसके सेट कर सकता हूँ। तो अभी इसको मैं छान लेता हूँ, कैसे छानना है उसको भी दिखा देता आप लोगों को। थोड़ा सा सैंड आप लोगों को लेना है, उसके बाद इसको इस मतलब नेट में देना है और नीचे थोड़ा पानी देना है। तो ऐसे आप लोगों को अगर ऐसे छान लेंगे तो देखिए नीचे पूरा निकल रहा है सैंड, वो भी फ्रेश वाला, और यहाँ पे जो स्टोन है सब अटक जाएगा। तो इसको निकालने के बाद आप लोग इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैं सबको बहुत सारा जितना चाहिए मेरे को उतना सा सैंड लेके मतलब छान लेता हूँ और वॉश भी कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा वीडियो बनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको मैं छान लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए सैंड को अच्छे से मैं वॉश भी कर लिया हूँ, और जो पानी का ग्लास था उसको मैं लाइन बाई लाइन रेडी भी कर लिया हूँ। तो अभी आप एक कप मतलब एक प्लांट लगाने के लिए सेटअप मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो आप लोगों को जो मतलब फ्रेश वाला सैंड है वॉश करा हुआ, वॉश हुआ, तो उसको आप लोगों को इस कप में धीरे धीरे दे देना है। तो आप लोग अगर आप मतलब ये तो सिर्फ सैंड है, अगर आपको लगे तो आप लोग थोड़ा सॉयल भी दे सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि सॉयल मत दीजिए, क्योंकि जब लोकल वाला सॉयल आप लोग यूज़ करेंगे तो इसके मतलब इससे ना थोड़ा जो सॉयल का जो क्या बोलते हो उसको मतलब स्मेल निकलेगा, तो पानी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप लोग सिर्फ ये जो सैंड है इससे ही आपका जो हाइड्रिला प्लांट है बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो आप लोग इसको दे दीजिए अच्छे से, पूरा भर दीजिए ऐसे। पूरा भरने के बाद पूरा मैं भर देता हूँ इसको, देखिए पूरा भर गया। तो इसके बाद इसमें जो आपका प्लांट है, समझिए ये मतलब एक हाइड्रिला प्लांट है, तो इसको मैं थोड़ा वॉश कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ा एक होल कर लेना है आप लोगों को, जिसके अंदर ये जो प्लांट है उसका जो रूट तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको अच्छे से ऐसे सेट कर देना है। इससे ही 1 महीने मतलब 1 महीने के अंदर आपका जो मेरा कप का सेटअप था वैसा प्लांट हो जाएगा। तो ऐसे ही सबको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आप इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स देखिए, इसको मतलब पानी ये जो सैंड है इसको छान के अच्छे से मैं इस ग्लास के अंदर सेट कर दिया। अभी जो ये जो प्लांट्स है इनको मैं अभी इसमें सेट कर दूँगा, तो एक एक करके मैं सेट कर देता हूँ। आप लोग देखिए ऐसे करना है, पहले उंगली से थोड़ा छेद कर लेना, उसके बाद इसको अच्छे से सेट कर देना है। तो ये 1 महीने के अंदर आप लोग देखना इसका ग्रोथ से देखना। और ये वाला दूसरा प्लांट है, इसका नाम मेरे को पता नहीं है, तो इसको भी मैं अभी इसके अंदर सेट कर देता हूँ। इसका एक रूट भी है, तो इसको रूट को डैमेज नहीं होने दूंगा धीरे से। देखिए इसको सेट भी कर दिया हूँ, इसी तरह मैं सब प्लांट को लगा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को इसको पानी में डाल के दिखाऊँगा कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए, फाइनली मैं सबको लगा दिया हूँ। अभी तो आप लोगों को बहुत छोटा छोटा लग रहा है प्लांट, क्योंकि ये छोटा ही है, लेकिन ये 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं अभी नया मतलब टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसा होगा। तो ये देखिए, ये स्टोन का एक कप में मैं स्टोन भर लिया, उसके अंदर एक प्लांट लगा दिया हूँ। मुझे देखना है कि ये जो स्टोन है इसके अंदर अच्छा ग्रो होता है, या जो सैंड है उसके अंदर अच्छा ग्रो होता है। तो ये मेरे को
इसका रिज़ल्ट मैं एक महीने बाद आप लोग को दे दूँगा। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो का भी देख रहे हो तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोग हैशटैग लिख देना, क्या बोलूँ, हैशटैग आप लोग प्लांट लिख देना, क्योंकि अभी मैं प्लांट लगाने की वीडियो कर रहा हूँ, मुझे देखना है कि कौन कौन बंदा मेरे वीडियो को अभी देख रहे हो। तो आप लोग ये हैशटैग प्लांट लिख देना और अभी इसको मैं पानी के छोड़ के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसा लग रहा है फाइनल लुक। चलिए अभी देखिए, ये जो है इसको अभी थोड़ा आप लोगों को दूसरा किसी पानी के अंदर ऐसे थोड़ा डुबा देना है, क्योंकि जो सैंड का जो गंदगी को वो निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग को आपका जो सेटअप है उसके अंदर ऐसे धीरे से सेट कर देना है। तो अभी के लिए मैं इस प्लांट को यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टेल का सेटअप होगा, उसका भी वीडियो आएगा, शॉर्ट टेल जो मॉली है मेरे पास उनका। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिए, ये जो मेरा ब्रीडिंग का सेटअप था, इसका वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इसका वीडियो मैं कॉमेंट पर दे दूँगा, आप लोग देख लेना। यहाँ पर मैंने प्लांट को सबको लगा दिया हूँ, ये देखिए सबको लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लांट ग्रो होता रहेगा और जब मैं यहाँ पे शॉर्ट टेल का सेटअप बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं इस सब प्लांट को रख दूंगा। तो शॉर्ट टेल का सेटअप मैं कब बनाऊँ आप लोग बोलिए, मैं तो सोच रहा हूँ कि कल ही बना लूँ, तो आप लोग बोलिए मेरे को। और यहाँ पे देखिए मेरा गप्पीस, देखिए कितना अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग मेरे चैनल को बनाए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और यहाँ पे कुछ मॉली है मेरा, देखिए। और आप लोग ये वीडियो मैं बना के रखा हूँ लेकिन अभी भी छोड़ना भूल गया, तो छोड़ना पड़ेगा इसको। ये देखिए मेरे पास जो फाइटर का फीमेल है वो देखिए, इसका वीडियो भी आएगा कब मैं कितना प्राइस पे ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा इसका। तो ये वीडियो जल्दी आएगा, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। टाटा गाइज़।